ये तुम्हारी बेटी है, पता ही है कहाँ थी। रात से बारिश हो रही है, शादियाँ है ना कढ़ाई बहुत चाटी होगी। हमारे में यही बोलते थे कि जिसकी शादी में बारिश होती है कहते थे ना कढ़ाई चाटी होगी। और आज घूमने तो खैर जा ही नहीं सकते थे, बट आज थोड़ा रिलैक्स किया अभी दिन में। शाम को एक्सरसाइज करूँगी क्योंकि 3-4 दिन से लगातार वॉक हो रही थी, तो मैंने कहा रेस्ट दे दिया जाए। कितनी भीड़ आज, क्या है भाई। अभी थोड़ी थोड़ी बूंदा बांदी है, एक आधी बस। वो सिक्के चुगने के लिए कहाँ गया है, देखो कहाँ कहाँ जोखिम में जान डाल रहा है। किसके साथ है, किसके साथ है, कहाँ पे है मम्मी, कहाँ पे है। चप्पल पहन के गंगा जी में जा, मारूंगी। चप्पल पहन के गंगा जी में क्यों जाता है, ने अपनी जान रिस्क में दी है। ये लोहे का पाइप लेके आया, अब ये बेचेगा इसको, है ना। नीचे बहुत ज्यादा स्लिपन है, स्लिपन। मेरे पीछे आके बैठ गई, मम्मी कहाँ है तेरी, वहाँ क्या कर रही है। और तू किसके साथ आई है, ऐसे ही आ गई, और कोई ले गया तो तुझे। जाओ बेटे घर जाओ। और चटोरी गोलगप्पे की डिमांड करी है इसने, गोलगप्पे। तो इस बंदरिया को छोड़ के कैसे जाएं, इतने सारे लोग घूम रहे हैं बाहर से। इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है, है ना। अच्छे लगे। ये किसकी बेटी है, बेटा कहाँ है तेरी मम्मी, वहाँ है, वहाँ कर रही है बस इशारे। भैया ये चटोरा बच्चा गोलगप्पे खा रहा है, इतने में राम राम कर लेती हूँ। राम राम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे साथ गंगा जी के दर्शन करेंगे। मेरे अंदर के राम, आपके अंदर के राम को राम राम। क्या जबरदस्त नज़ारे हैं ना। मेरे को तो इसकी टेंशन हो रही है, बेटा मम्मा कहाँ है तेरी, इधर इधर बस ऐसी कर रही है, इधर इधर इधर। देखो इसके चटकारे देखो। तेरे को ऐसे नहीं जाऊंगी आज, मैं पूजा जब करूंगी तेरे को छोड़ के आऊंगी। कहाँ है मम्मी, मेरे बच्चे मम्मी बता दे कहाँ है, हैं? ऐसे नहीं, लाओ मेरे को दो। पानी पीना है, ले। भाई पूजा वूजा तो बाद में होगी, पहले इसको इसकी माँ के पास छोड़ के आऊं। मेरी शिवांगी भी ना एक दिन ऐसे ही गाँव में निकल गई थी, अपने मेन रोड पे किसी ने बताया। मम्मी को ना बुआ जी बोलते थे, बुआ जी आपकी काकी ना मेन रोड पे जा रही है। फिर शर्मा जी वहीं से पिटाई करते लाए थे उसकी। ये मुझे दीदी बोल रही, दीदी का घर कहाँ है। मैं दीदी हूँ, आंटी हूँ। किसकी बच्ची है ये, तो बेटा इतनी दूर छोड़ दी, कोई उठा के ले गया तो इसको। ये वहाँ थी आगे अकेली, हाँ गोलगप्पे खा के आई है, लेके जाए इसको, ठीक है। अरे तो इसकी दीदी है ये, तेरी बहन पता है कितनी दूर गई हुई थी। बेटा बेटा इसका ध्यान रखो, किसी के पास टाइम नहीं है, बहन के पास भी नहीं है। बहन कह रही मम्मी वहाँ है, मम्मी के पास छोड़ दो। ये तुम्हारी बेटी है, पता ही है कहाँ थी। नहीं पर साथ रखो, बहुत छोटी है, बहुत टूर। भैया बारिश तेज शुरू हो गई है और उस बच्ची को उसकी मम्मी मिल गई है। ऐसे बच्चे शरारती है ना, कई बार मम्मी पापा को चकमा दे के भाग जाते हैं। पर आजकल टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है तो कौन उठा के ले जाए बच्चे को पता नहीं लगता। अब पूजा करने में आनंद आएगा। बहुत दिन हो गए घर में गूगल और लोबान का ना ये करे हुए। पहले हम डेली करते थे, पर कुछ आप नेगेटिव एनर्जी से मिलो, कुछ भी मिलो, तो वो वाइब्स उनकी ना आपके साथ आपके घर में आती है। ये गूगल और लोबान ये जो है ये उस एनर्जी, उस नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। इसके अंदर ना थोड़ा सा कपूर गिरा देंगे तो अच्छी वो हो जाएगी। इसमें इसको ना जला के बंद कर देना, कपूर अपने आप जलता रहेगा। एक को यहाँ लगा दिया, एक को रूम में लगा दिया और बंद कर दिया। बड़ी खतरनाक गर्जन हुई थी अभी, मैं लेके आई इतने बंद अभी। हेलो गुड मॉर्निंग,
कल से बारिश अब बंद हुई है। आज हमारे यहाँ पे आंटी जी का बर्थडे है, तो अनु दीदी की मम्मी का जो बुज़ुर्ग आंटी बैठी रहती है ना, बुज़ुर्ग कहूँगी तो वो यंग है एकदम से, तो कहीं नहीं गए, आराम से फिर रिलैक्स ही किया। बारिश हो रही थी और सुबह ही गंगा जी गई थी, पास था तो रिलैक्स दे दिया, पूरी बॉडी को रिलैक्स, चैनल कैमरे को भी रिलैक्स दे दिया। 3 दिन वॉक 2 दिन एक्सरसाइज इस तरीके से कर रही हूँ मैं। पार्टी में जाऊँगी तो ज़्यादा कैमरा नहीं ले जाऊँगी क्योंकि उनका पर्सनल है, थोड़ा बहुत कुछ सज लेंगे तो वो दिखा देंगे बस। भाई और बहनों, टायर सच में कम हो रहे हैं, पतली हो रही हूँ मैं, पता लग रहा है, आपको नहीं पता लगेगा। आज ना मैं नहा चुकी थी, कहीं जाना था फिर गई नहीं, पहले नहा के अब फिर एक्सरसाइज कर रही हूँ, उल्टा कर रही हूँ आज। एक तो शिवांगी फोन बड़े करे जा रही है सुबह से, कभी कभी उसको मम्मी की याद आ जाती है। अब की बार छोले भटूरे खाते हुए भी वेट कम ना करके दिखाए ना तो मेरा नाम बदल दे। अब थोड़ा सहारा लेना पड़ रहा है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये हाथ नहीं रहेंगे, बहुत दिन हो गए, बहुत हैवी बॉडी हो गई है। गैरी आवा भैया कह रहे, भाभी जी मैंने कहा आप कमेंट क्यों नहीं कर रहे, कह रहे आपने ठीक से जवाब नहीं दिया, मतलब सही नहीं बोले थे। मैंने कहा मैंने तो कभी बदतमीजी की नहीं। अतुल कौशिक भैया ने मुझे गोभी का फूल कह दिया, बताओ जब फैमिली में है तो कुछ भी कह सकते हैं ऐसे, मैंने तो बुरा नहीं माना उनका, मैं तो हंस रही थी, कह रहे भैया के टाइम पे तो आप एकदम पतली थी और अब गोभी का फूल हो गया, उनको ये नहीं पता। तो भैया फैमिली है, खट्टी मिट्टी और ऐसी ऐसी बातें होती रहती है, तो नाराज होने की क्या जरूरत है, चलता रहता है। वैसे मैं पतली भी लगूं ना, 2-4 दिनों में लगने वाली हूँ, तब भी कमेंट टोंट मार ही दिया करो। शर्मा जी डेली मारते थे मुझे, तो बड़ा दिल पे लगता था कि मोटी लग रही है, 48 किलो पे भी कमेंट मारते थे कि बहुत मोटी लग रही है, ऐसी लग रही है, ऐसी लग रही है, तो आप लोग डेली मार दिया करो, वो मेरे दिल पे जुड़ेगी बात। पेट को घटाने के लिए प्लैंक सबसे बढ़िया होते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत वेट लॉस करती है। हमारे ग्रुप में ना एक लड़की थी, उसका 4 किलो तो हुआ ऐसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से, और जब उसने प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज की क्लास की, 7 किलो वेट लॉस किया, 7 किलो अंदर का फैट ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ही कटेगा। किसी ने मेरे को बोला था कि भाभी जी हवा जो है ना, सांस जो है चेस्ट में भरते हैं, तो मैं बता दूं यही तो गलत है, चेस्ट में भरते हैं, चौड़े करते हैं, लेकिन हम जो ये बैठते हैं ना, हमारे पेट में हवा नहीं जा पाती, सारी बीमारियों की जड़ यहीं से होती है। तो पेट को फुलाओ, फिर चेस्ट में ले जाओ, फिर शोल्डर में, शोल्डर बहुत टफ होता है, बीमारी कहीं से नहीं होती, पेट से होती है सारी बीमारियाँ। पेट ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा, तो पेट में सांस फुलाइए, डीप ब्रीथ कीजिए। ये मम्मी का सूट देखना कैसा स्टाइल मार रही है। मैं ना रेनू के साथ गई, मैं जाना नहीं चाहिए किसी भी लेडीज के साथ में ना, वो कपड़े बहुत सिलवाती हैं, मेरे को तो मेरे पुराने ही बहुत पड़े हैं और मुझे आदत वो भी नहीं है, और वहाँ जाके वाइट कपड़ा देखा और मुझे लालच आ गया और सिलवा लिया। शर्मा जी होते पता क्या बोलते, अली फुलैला वाले कपड़े सिलवाए, मेरे को पहनने की आदत नहीं है ऐसी, इसको ठीक करवाऊंगी बाद में। मैं कैमरा नहीं लेके जा रही थी, मेरी जान खा ली है कि कैमरा लेके आओ। तुझे हाथ पकड़ के घुमाऊं बेबी शकलाका पूं पूं। हमारी आंटी जी का 75th बर्थडे है और वो तो हमारी डार्लिंग है। कैसा लग रहा है आपको सरप्राइज? अच्छा लगा, सोचा भी नहीं था। देखते हैं कौन किसका साथ छोड़ेगा। आपका साथ सबने छोड़ दिया। Oh my God. Thank you.
तब बात नहीं हो पाई थी आंटी से। आंटी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, सरप्राइज मिला आज? पक्का सरप्राइज, खूबसूरत सरप्राइज। हमें तो बहुत दिनों से पता था स्टार्टिंग, जब मम्मी, जब मेरी मम्मी गई थी ना, हमें तब से पता था। हाँ, जिनके बच्चे इतने अच्छे हों, सरप्राइज देने वाले हैं तो बड़ों को क्या चाहिए होता है, है ना? बेटा बढ़िया, बहू बढ़िया, और क्या चाहिए जिंदगी में? मेरे को पता नहीं था कि भैया भी आए हुए हैं, अभी बेटा सरप्राइज दिया, अमेरिका से आए हैं आंटी का बर्थडे मनाने के लिए। बताओ और क्या चाहिए होता है, यही प्यार तो चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो आज हमारी आंटी जी का बर्थडे था, 75 ना, इसीलिए शीला आंटी आई नहीं हम लोग से। उनको उनके बेटे, उनकी बेटी ने सरप्राइज दिया, उनका बेटा भी अमेरिका से आया, तो उन्होंने बोला आप आंटी जी इनसे भी मिलने का मौका मिल रहा है, और कहते जरूर आना, जरूर आना। और ये इनकी बेटी है सारिका जी। हाँ जी, हाँ जी। ये मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, जब बड़े ऐसे आशीर्वाद, एक आशीर्वाद ऐसा लगता है भगवान का साक्षात आशीर्वाद मिल गया। आंटी जी बोल रही थी कि तुमने ऋषि गंगा जी दिखा दिखा के खींच लिया इधर। ये अमला जी हैं और ये रेनू जी हैं और ये जिम्मी भैया और ये मीनाक्षी और ये छोटा सा बेबी कौन है? हेलो कर दो। कौन है ये? हेलो करो। हेलो हेलो, जय कर दो, जय कर दो, जय कर दो, जय। भैया आया पटियाला से, डिस्ट्रिक्ट पटियाला, और ये आई है पुणे से। ये तो तीसरी बार चक्कर काट रही है आज। ये कान्हा जी को देख के जय जय कर रही है बार बार। ये देखो आग से ना कुछ शूट कर रहे हैं ये लोग। अब जाके यहाँ पहुँची, कितनी लेट हो गई, मतलब पौने 9 बज रहे हैं। वैसे तो इसी थोड़ा बहुत और हो जाता है। आज इतने सारे लोग मिलने आए, कुछ कैमरे के बाद भी मिले, कुछ कैमरे से मतलब कैमरे में आ भी गए, अपने आप ही बोल दिया था, मैंने कहा चलो ठीक है। और आंटी जी का बर्थडे मैं शूट नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि उनकी पर्सनल पार्टी थी, अगर सोसाइटी में होता है तो हम कर लेते हैं, पर उसमें थोड़ी सी शर्म आ रही थी, क्योंकि उनके अपने गेस्ट आए हुए थे। हालांकि गेस्ट ना जानते थे मुझे, काफ़ी लोग जानते हैं, क्योंकि कई बार फंक्शन दिखाया है तो वो लोग जानते हैं, उनका बेटा वो भी जानते हैं। वैसे बाय फेस तो पहली बार मिले हैं, क्योंकि वो अमेरिका से अपनी मम्मी का बर्थडे मनाने के लिए यहाँ पे आए। तो आंटी का आज मैं जो देख रही थी ना, जब उन्होंने मुझे हग किया, मतलब गले लगाया, वो मतलब एक अलग ही एहसास था। आपको नीचे एक आंटी मिली, जो अभी मैंने बताया कोलकाता से, तो वो बोल रही थी कि मैं कुछ गिफ्ट नहीं ला पाई। मैंने कहा आंटी, उन्होंने जब प्यार से हाथ फेरा ना, तो मैंने कहा आंटी ये आपका सबसे बड़ा गिफ्ट यही है, जब कोई बुज़ुर्ग आपके सर पे हाथ फेरता है तो ऐसा लगता है कि भगवान का आशीर्वाद मिल गया हो। तो मुझे वही एकदम से ऐसा लगा, मैंने कहा ये सबसे बड़ा गिफ्ट है, यही सबसे बड़ी दौलत है। और देखिए मतलब आज एक ऐसा मतलब लगा कि जैसे हम अपने बच्चों के और अपने बर्थडे याद रखते हैं ना, ऐसे अपने बुज़ुर्ग के भी कई बार हम भूल जाते हैं, बच्चों का राज याद रख लेते हैं, बुज़ुर्ग भी के भी बच्चे हैं, भाई नाराज़ हो जाएंगे, तो बुज़ुर्ग भी ना बड़े होकर बच्चों जैसे ही हो जाते हैं, मतलब बड़े क्या बुज़ुर्ग जो हैं वो बच्चों जैसा ही मन हो जाता है उनका बिल्कुल। तो उनकी भी खास चीज़ें ना ध्यान रखनी चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए, उनसे पूछते रहना चाहिए बीच बीच में, आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है। जैसे आप कितना भी लड़ लो हमारा, तब भी वो फिर हमें माफ़ कर देते हैं, और हम होते हैं कि रूठ जाते हैं, बाद में फिर याद आती है उनकी, जब वो चले जाते हैं या जब कुछ होता है तो फिर उनकी इतनी महसूस होती है कमी। आजकल बच्चे थोड़े से दूर हो गए हैं, मतलब बुज़ुर्ग अपने दादा दादी नाना नानी इनसे, तो थोड़ा हमें लाने चाहिए, क्योंकि एक तो फ़ोन हो गए और एक फिर मतलब वो लगा ही नहीं, क्योंकि टीवी भी आ गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो हमें बिठाना चाहिए। मेरी दोनों बेटियां ना, हम जब रहते थे, शिवांगी तो खैर मम्मी के साथ बहुत रही है, दिया यहाँ आके बहुत रही है, जैसे दिया वहाँ भी थी, तो वो दोनों, हम दोनों पापा मम्मी से ज़्यादा दादी को मिस करती हैं, दोनों की दोनों। पापा को तो शिवांगी मिस करती है क्योंकि वो नहीं, दादी को भी बहुत मिस करती है, क्योंकि दादी के साथ वो ऐसी ऐसी बातें शेयर कर जाती थी जो हमारे साथ नहीं कर पाते, क्योंकि हम छोड़ के जाते थे दादी के पास, बाद में याद बहुत आते हैं। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, और अपने माता पिता का भी ध्यान रख लो, दादा दादी नाना नानी सबका ध्यान रख लीजिए, क्योंकि छोटी सी अगर इतना बर्थडे सेलिब्रेशन भी ना हो ना, छोटे मोटे में ही वो तो खुश हो जाते हैं, अगर उनका याद भी रख लो तो।
हर हर गंगे हर हर महादेव, पेड़ जरूर लगाएं, पेड़ जरूर लगने चाहिए भाई।